जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गिरिजेश कुमार माला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरुकुल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हॉर्नबिल इंग्लिश लिटरेचर बुक से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का सेकेंड हाफ पोर्शन का आज अध्ययन करेंगे। चूंकि इसके पहले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के हाफ पोर्शन का अध्ययन किया था, अगर आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड को क्लिक करके वो लेक्चर देख लीजिए, फिर इस लेक्चर पे आइए। क्योंकि ये इस चैप्टर का आज हम हाफ पोर्शन डील करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि पहले आप हाफ जो स्टार्टिंग पोर्शन है यानी कि शुरू का जो हाफ पोर्शन है उसका आप लोग अध्ययन कर लें, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो आथर हैं खुशवंत सिंह, जिन्होंने इस चैप्टर में अपनी दादी की तस्वीर पेश की है, इन्होंने इस चैप्टर में अपने दादी के बारे में बताया है कि इनकी दादी कैसी थी। लेखक ने बताया है इस चैप्टर में कि इनकी दादी पिछले 20 सालों से इसी तरीके से दिख रही हैं जैसी आज वो हैं। अपने दादा का भी जिक्र इन्होंने किया है जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर में यह भी पढ़ा था कि किस प्रकार जब खुशवंत सिंह के पिताजी और माताजी शहर चले गए थे और इनको अपनी दादी के साथ रहना पड़ता था गांव में, तो इनकी दादी इनका किस तरीके से केयर करती थी। इनको स्कूल ले जाती थी, स्कूल से लाती थी, इनका टिफिन तैयार करती थी और टिफिन के रूप में वो स्टेल चपाती यानी बासी रोटी जिसपे थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगा करके देती थी खाने के लिए, और कुछ चपातियां जब इनको विद्यालय लेके जाती थी, स्कूल लेके जाती थी, लौटते समय जो रास्ते में कुत्ते मिलते थे उनको देती थी। बाद में जब इनके माता पिता शहर में सेटल हो गए तो इनको और इनकी दादी को भी शहर में बुला लिया गया था। उसके बाद इनका दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया गया था। अब दादी को इनको स्कूल नहीं छोड़ना पड़ता था क्योंकि इनको ले आने के लिए, ले जाने के लिए स्कूल बस आती थी। लेकिन इनके दादी को बड़ा कष्ट था, बहुत पीड़ा थी कि इनको इनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में ईश्वर के बारे में, धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं ज्ञान दिया जाता है। इनको साइंस के, हिस्ट्री के और म्यूजिक का, विशेष करके जो म्यूजिक का क्लास इनका था उससे इनकी दादी को बहुत ही आपत्ति थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो संगीत है वो संभ्रांत लोगों के लिए नहीं है, ये वेश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए स्पेशली बना हुआ। आज हम लोग इस चैप्टर का जो बचा हुआ हाफ पोर्शन है उसका अध्ययन करेंगे। तो बिना डिले किए हुए लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। यहां देखिए, हियर द ऑथर सेज दैट व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माय ओन, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड इट मींस ब्रोकन, माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन इट मींस अलगाव एलूफनेस विद रिजाइग्नेशन, सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग विल टू टॉक टू एनीवन, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर विल स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो। Here, the author says that when he went to university for higher education, he had a room of his own. The common link of his friendship with his grandmother that they had when they shared the same room was changed now. And thus, his friendship with his grandmother ended. She became more private and spent to sunset she would sit and silently recite her prayers. लेखक एक्चुअली यहां पे कहता है कि अब वो हायर एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय में चला गया, वहां पे उसको एक निजी कमरा दे दिया गया। दादी से जो उसकी मित्रता थी, जो मित्रता का जो संबंध था, अब लगभग टूट सा गया। दादी ने अपने एकांकीपन को, अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। वो सदैव चरखा चलाती थी, प्रार्थना करती थी और उसी में व्यस्त रहती थी।
बहुत कम बातें करती थी। दोपहर के बाद में वो थोड़ा सा रेस्ट करती थी, उसके बाद सी फेड द स्पैरोज, वो चिड़ियाओं को, गौरैया जो चिड़िया है, जस्ट आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट स्पैरो इज अ काइंड ऑफ बर्ड, तो चिड़ियाओं को दाना देती थी। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाइल सी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बीट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरी टेबल यानी टोली बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स, सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड, सी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे, शूड इट मींस ड्रॉप अवे, उड़ा देना। सी यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, एक्चुअली इन द आफ्टरनून सी यूज्ड टू फीड स्पैरोज इन वरामदा, ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू स्मॉल पीसेस सी वुड फीड हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, द बर्ड्स वुड गेदर अराउंड हर, सम सैट नियर हर, सम ऑफ हर लेग्स एंड सम ऑन हर शोल्डर्स एंड फ्यू ऑफ हर हेड, she never shoot them but always smile, she was the happiest in that half an hour during the whole day, it was her happiest hour, actually jab wo baramde mein baithti thi, lekhak kehta hai ki jab wo baramde mein baithti thi aur roti ke chote chote tukde tod kar ke aur chidiyon ko dalti thi to saikdon chidiyan hain, hundreds here you can see hundreds, सैकड़ों चिड़ियां वहां पे आ जाते थे और बहुत सा शोर करते थे, कुछ आकर के उनके पैरों पे बैठ जाते थे, कुछ कंधे पे बैठ जाती थी, कुछ तो उनके सर पे ही आके बैठ जाते थे, वो मुस्कुराती हुई रहती थी और कभी भी उनको डरा करके भगाती नहीं थी, उड़ाती नहीं थी। चिड़ियाओं को जो भोजन कराना था उनके दिन का सबसे प्रसन्नतम समय हुआ करता था, वो जो आधे घंटे था जिस दौरान वो चिड़ियाओं को दाना खिलाती थी वो इनका सबसे हैप्पीएस्ट टाइम हुआ करता था। Clear? Now come to the next paragraph. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Actually, when the author decided to go abroad for further studies, he believed it would be the last time he would see her, as he would be gone for 5 long years. As they all reached the station, she held him tightly and kissed his forehead. He thought it was the last physical contact with her. The wet impression on her hand was dear to him. She was not sentimental at all. Not sentimental. बिल्कुल भी भावुक नहीं। लेखक बड़े गर्व के साथ यहां पे बताता है कि जब वो हायर एजुकेशन के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, उसे 5 साल तक बाहर ही रहना था, 5 ईयर, 5 साल तक उसे बाहर रहना था। चूंकि दादी अत्यंत वृद्ध हो गई थी, किसी भी क्षण वो मृत्यु को प्राप्त हो सकती थी, मर सकती थी, इसलिए जो आथर था वो बड़ा चिंतित था कि शायद 5 साल बाद जब मैं लौटू तो दादी से मुलाकात नहीं हो। लेकिन दादी बिल्कुल भी
विचलित नहीं हुई, उनके अंदर कोई भावुकता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। सी डिड नॉट शो एनी इमोशन, बिल्कुल भी भावुकता नहीं उन्होंने दिखाई, और लेखक को छोड़ने के लिए वो रेलवे स्टेशन तक आई। हाँ, ये था कि इस दौरान उनके जो होठ थे ना, वो प्रार्थना में हिलते रहते थे, उनका मन प्रार्थना में लगा हुआ था, उनकी उंगलियां माला के जो मनके थे उनको फिरने में व्यस्त थी। उन्होंने चुपके से लेखक के माथे को चूमा। लेखक ने सोचा कि शायद इन दोनों के बीच का ये जो शारीरिक जो ये रिलेशन था, फिजिकल जो कांटेक्ट था, यही अंतिम था, इसके बाद शायद ना होने पाए। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि जब मैं लौट के 5 साल बाद आऊंगा तो शायद दादी का दर्शन करने को मिलेगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बट दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द सेम स्टेशन। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, एंड व्हाइल सी क्लैस्प्ड इंप्रेस्ड गले लगाना मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes, dantana. Here, the author says that when he came back after 5 years, she came to meet him at the station. She looked just the way she did 5 years ago. Not a day older. She held him again in her arms and was still reciting her prayers. He noticed, the author noticed on the first day of his arrival that only sparrow would make her happy. Actually, जब 5 साल बाद जब लेखक विदेश से शिक्षा ग्रहण करके लौटा तो उसकी दादी स्टेशन पे उससे मिली थी, और 5 साल पहले जिस कंडीशन में दादी को छोड़ के गया था, 5 साल बाद जब लौटा तो उसी तरीके से उसी स्थिति में दिखाई दी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक भी दिन ज्यादा वृद्ध हुई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, दादी ने कुछ बोला नहीं, बस बाहों में भर लिया। लेकिन इस दौरान भी वो अपनी प्रार्थना गुनगुनाती रही। आई कुड हियर हर reciting her prayers. इस दौरान भी लेखक को वो उनकी प्रार्थना की आवाज सुनाई पड़ रही थी। लेखक कहता है कि आने के बाद अभी भी वो देखा कि जब वो आधे घंटे जो भोजन वो कराती थी चिड़ियाओं को, वही उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करता था, और आज भी वही है। इसी दौरान वो चिड़ियाओं को थोड़ा बहुत डांटती थी, प्यार से दुलारती थी, और फिर दाना खिलाती थी। क्लियर? फिर क्या हुआ आने के बाद? इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, सी डिड नॉट प्रे, सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ हर नाइबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग फॉर सेवरल आवर्स। She thumped, it means beat, the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to pursue her to stop to avoid overstaining. That was the first time since I had known her that she did not pray. What happened? The author describes that an evening she did not follow her regular routine of praying. तब दिन जो प्रार्थना करते थे उस दिन, जिस दिन लौट के आया लेखक बाहर से, शाम को उस दिन प्रार्थना नहीं की। She collected a few women from the neighborhood
got a drum and started singing with them. She thumped and ruined part of the drum and sang along. The whole family persuaded her to stop as she might get ill due to exhaustion. एक्चुअली हुआ क्या, शाम को एक अजीब परिवर्तन हुआ। उस दिन शाम को उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने पड़ोस की सारी महिलाओं को एकत्रित किया, एक पुराना ढोल लेकर आई, ड्रम लेकर आई, ड्रम इस ढोल, कई घंटे तक उस ड्रम को पीटती रही, गाना गाती रही, वह योद्धाओं की वापसी के गीत गाती रही, जैसे जब योद्धा लौट जाते हैं, वॉरियर्स गाते। लेखक कहता है कि घर के लोग उनको रोकने की कोशिश किए, मनाने की कोशिश किए कि वो बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेनिंग ना लें, ज्यादा तनाव ना लें, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेखक कहता है यह पहला ऐसा मौका था जब वो प्रार्थना भूल गई थी। She did not pray, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। Then what happened? Come to the next paragraph. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. Actually, the next morning she fell ill. It was the mild fever, halka sa bukhar tha. The doctors told them that it would go away, but she took it differently. According to her, she would die soon as her end was near. She started chanting prayers as she did not want to waste her last hours in talking to anyone. वो बिल्कुल भी अपना समय किसी से बातचीत में वो वेस्ट करना नहीं चाहती थी। एक्चुअली अगले दिन सुबह जब वो बीमार पड़ गई, उनको हल्का सा भी ज्वर आ गया, फीवर हो गया था, ठीक है, डॉक्टरों ने बताया कि हल्का सा फीवर है, वो सही हो जाएगा, लेकिन वो इस चीज को दूसरे तरीके से ली। उन्होंने बताया कि अब उनके जीवन का अंत आ गया है, अब जीवन के कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, इसलिए वो प्रार्थना करना शुरू कर दी। वो किसी से बातें नहीं करना चाहते थे और बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो बातचीत में अपना समय वेस्ट करें, इसलिए उन्होंने फिर शुरू कर दिया प्रार्थना। What happened then? We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Here, the author says that the family members protested, tried to stop her, but she lay peacefully on her bed, chanting prayers and doing her beads. Suddenly, she stopped and the rosary fell from her lifeless finger. A calm, pale appearance spread on her face and she was dead. Actually, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इन ये जो आने जाने वाली, चूँकि मकान हमारा हाईवे पे है तो आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं तो इनके हॉर्न से बहुत डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन इसमें किया क्या जा सकता है। अब अगर कोई विषम परिस्थिति है तो उससे जूझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए हम काम की बातें कर लें। यहाँ लेखक कहता है कि घर के सारे लोगों ने उनको समझाया लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वो बिस्तर पे लेटी रहीं और माला जपती रहीं, प्रार्थना गुनगुनाती रहीं। अचानक क्या हुआ, अचानक उनके होठ हिलने बंद हो गए,
उनकी जो लाइफलेस फिंगर्स थी, निर्जीव उंगलियां थी, उनसे जो माला था वो गिर गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया, शांत दिखाई देने लगा, अर्थात वो मर गई। दादी मृतलोक को प्राप्त हो गई। फिर क्या हुआ? वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी एज पर कस्टम लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल इट मीन्स क्रीमेशन, दाह संस्कार। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। एक्चुअली द फैमिली मेंबर्स लिफ्टेड हर फ्रॉम द बेड, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड रैप्ड लपेट दिया जाना हर विद अ रेड कलर्ड क्लोथ। क्या हुआ? एक्चुअली दादी की जब मृत हो गई तो दादी को बिस्तर से उतार करके जमीन पे लिटा दिया गया प्रथा के अनुसार। उसके बाद लाल कफन में उनको लपेट दिया गया, यानी ढक दिया गया। कुछ देर तक तो सभी लोगों ने रोया गाया और उसके बाद उनको वहां छोड़ करके और दाह संस्कार के लिए प्रबंध करने के लिए, दाह संस्कार के लिए और भी जो प्रबंध करना था उसके लिए घर के मेंबर चले गए। शाम का समय था। फिर क्या हुआ? वो एक लकड़ी का स्ट्रेचर लेके आए, अर्थी लेके आए, सूर्यास्त हो रहा था, ठीक है, सूर्य की एकदम गोल्डन जो किरणें थी वो पड़ रही थी। इन लोगों ने स्ट्रेचर पे रखा लेकिन बीच आंगन में ही वो लोग रुक गए। क्यों रुक गए भाई? आगे सुनो। ऑल ओवर द बरामदाज एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. Actually, thousands of sparrows sat silently near her in the courtyard. The author's mother fetched some bread for the birds, but they did not eat any. They flew away later as the family members carried the dead body. The sweeper removed the crumbs and the next morning the birds were so sensitive. They did not want to eat bread but were mourning, vilap kar rahi thi on the death of one who had fed them for so many days. Actually, beech aangan mein jab log arthi leke chale the to ruk gaye, isliye ruk gaye ki wahan hazaron chidiyan hain इकट्ठे थे। जहां दादी की डेड बॉडी थी वहां पे सब बैठी हुई थी और बिल्कुल भी चर्पिंग नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, चहचहाट बिल्कुल नहीं थी। घर के सभी मेंबरों को, सभी सदस्यों को इन चिड़ियाओं से सहानुभूति तो थी। लेखक कहता है कि उसकी माँ जो है वो कुछ रोटी लेके आई, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, जैसा कि इसकी दादी किया करती थी। देखिए यहां पे इसकी दादी जैसा किया करती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और चिड़ियाओं के आगे फेंक दी, लेकिन चिड़ियाएं बिल्कुल भी उसमें से नोटिस नहीं की। खाने की तो बात छोड़ दीजिए, ध्यान ही नहीं दिया, रोटी के टुकड़ों की तरफ पक्षियों ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। फिर क्या हुआ? जब ये लोग डेड बॉडी को लेकर के दाह संस्कार के लिए चले गए तो चिड़ियां चुपचाप उड़ गई।
रोटी के टुकड़े अभी भी आंगन में पड़े हुए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि जो चिड़ियाएं थीं वह लेखक की दादी के मृत्यु पे केवल शोक मनाने आई थी। तो लेखक अपनी दादी का जिक्र करते हुए यहां पे एक चीज और क्लियर कर देता है कि देखिए चिड़िया मनुष्य तो मनुष्य है, चिड़िया भी प्रेम समझती हैं, पक्षी यानी दूसरे जो जीव हैं वो भी हमारे आपके प्रेम को समझते हैं। उनके लिए रोटी के टुकड़े महत्वपूर्ण नहीं थे, उनको इस बात का दुख था कि उनको जो इतने दिनों से रोटी के टुकड़े खाने के लिए देते थे आज वो नहीं रहे, केवल शोक मनाने आए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बेहतरीन चैप्टर था, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, और यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिए, तभी तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।